आज मैं आपको अपने साथ कोरिया लेके जाऊंगी। नमस्ते, मैं हूँ पारुल। वेलकम टू पारुल्स लाइफ बैलेंस। आज मैं आपको अपने साथ कोरिया लेके जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं यूएस में ही हूँ। यूएस की ये जो आप पीछे देख रहे हैं वो एशियाना मार्केट है। यहाँ पे मोस्टली एशियन चीज़ें हैं, बट स्पेशली कोरियन चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। मैं कोरिया में एक साल तक रही थी 2014 में, और उसके बाद मैं यहाँ पे जब भी मुझे कोरिया की याद आती है तो मैं यहाँ पे घूमने आ जाती हूँ। सो आज मैंने सोचा है आपको भी लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कोरियन चीज़ें क्या क्या है, पॉपुलर फूड क्या है उनका, और कौन सी चीज़ें सिमिलर टू इंडिया भी है। लेट्स सी व्हाट्स इन देयर। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये टूर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो सामने आप बेकरी देख रहे हो इसका नाम है टू ले जोर, जो फ्रेंच में जिसका मतलब है एवरीडे, और एक साउथ कोरियन बेकरी फ्रेंचाइज है। बहुत ही अमेजिंग केक्स होते हैं इनके, मॉडरेटली स्वीट, ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, आप देख ही सकते हो। और इनका प्राइस अमेरिकन केक से थोड़ा हायर रहता है, बट जो टेस्ट है, टेक्सचर है, उसके हिसाब से प्राइस इन वर्थ है। जो ट्रेडिशनल पेस्ट्रीज होती हैं वो बीन से फिल्ड होती हैं। दूसरा जो मैंने सेक्शन चूज़ किया वो था हाउस होल्ड चीज़ों का, और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें, और मुझे लगा मैं कोरिया ही पहुंच गई हूँ लिटरली। और ये जो आप चीज़ें देख सकते हो किचन रिलेटेड स्टफ़ है, जो ये बहुत सारे सूप्स बनाए जाते हैं, स्टूज बनाए जाते हैं, उनके लिए ये सब यूज़ किया जाता है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट बहुत सारे यहाँ पे हैं चॉपस्टिक्स, क्योंकि चॉपस्टिक्स और एशियन फूड आपको पता ही है कैसा रिलेशन है। सो यहाँ पे मेरी नौटंकी थोड़ी चल रही थी, और बहुत अमेजिंग चीज़ें रहती हैं इनके, टिफ़िन बॉक्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। और इसके बाद एक ऐसी चीज़ जो आपको पता ही है, साउथ कोरियन ब्यूटी, साउथ कोरियन कॉस्मेटिक्स, तो इसका भी एक छोटा सा सेक्शन था। बहुत सारे अमेजिंग से फेस मास्क थे, एक बहुत ही छोटा सेक्शन है, बट कोरिया में तो ब्यूटी का हब है, आप सब जानते होंगे कि ये ड्रामास देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट जो है ये है किमची। कोरिया का जब नाम आता है तो किमची वर्ड हमेशा सामने आता है। किमची एक फर्मेंटेड कैबेज होती है, प्रोबायोटिक ये फूड है, और बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट हैं। जैसे हमारा अचार रहता है लिटरली, वैसे ही किमची यूज़ किया जाता है कोरिया में, और हर मील के साथ इसको सर्व किया जाता है। ये ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते हैं पॉट, सिरेमिक के पॉट हैं ये, और ये किमची बनाने के लिए यूज़ होते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। ये है सोजू। ग्रीन कलर की बॉटल्स जब भी आपको देखने की मिलेंगी कोरियन सेक्शन में, दैट इज़ सोजू। और वाइट कलर की बॉटल्स ये वाली, ये है मेकॉली, दैट इज़ अ ट्रेडिशनल कोरियन अल्कोहल। बहुत सारी बियर यूज़ होती है कोरियन कल्चर में, अल्कोहल बहुत कॉमन है, और देख सकते हैं आप कितना अल्कोहल सेक्शन भी है यहाँ पे। और उसके बाद फ्रोजन सेक्शन में आपको सी फूड बहुत मिलेगा, और इसके साथ साथ मिलेंगे आपको बहुत सारे मांदूस, जो कि हैं हमारे मोमोज। पोर्क फिल्ड होता है, चिकन फिल्ड होता है, चीज़ फिल्ड होता है, बहुत सारी स्टफिंग्स और फीलिंग्स होती हैं इसमें। नेक्स्ट जो है वो है सीवीड। सीवीड बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ है, और इसकी बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यू है, और ये यूज़ किया जाता है बहुत सारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ में। और इसके साथ साथ सुशी बनाने के लिए आपको पता ही है सीवीड का यूज़ किया जाता है, जो आउटर रैपर सा होता है सुशी में, दैट इज़ सीवीड। राइस कोरिया में जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, सेम कोरिया में भी राइस का हर मील में एक स्टेपल फूड है ये, और स्टिकी राइस होते हैं इनके, क्वांटिटी थोड़ी कम खाई जाती है। और यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस थी, और इसके अलावा राइस कुकर, जैसे हमारा प्रेशर कुकर रहता है, सेम हर कोरियन घर में एक राइस कुकर रहता है, डिपेंडिंग ऑन अपॉन की कितनी बड़ी फैमिली है। राइस की बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, राइस केक्स देख सकते हो आप, ये भी बहुत ही मॉडरेटली स्वीट होते हैं, और इनका एक फेवरेट स्वीट डिश मानी जाती है राइस केक्स।
और चाय के साथ सर्व करते हैं, वैसे ही स्नैक्स में खाए जाते हैं और ये एक स्टीम्ड फूड है। इंडिया की तरह चाय का ट्रेडिशन कोरिया में भी सेंचुरी से चलता आ रहा है और बहुत तरह की टीज यूज़ की जाती हैं। बस बॉइलिंग वाटर में जैसे लीव्स से टी बनती है, रूट्स होती हैं बहुत सारी हर्बल रूट्स, और फ्लावर से, फ्रूट से, कुछ ग्रेन्स जैसे कि बारले हो गया या फिर बकवीट कुट्टू होता है जो अनाज उसका, और तो और मशरूम और सी वीट की भी राइस की भी टीज होती हैं और उनको ब्यूटीफुल ये कप्स जो हैं उसमें सर्व किया जाता है, जिससे कि ये जो ट्रेडिशन है चाय का और भी ब्यूटीफुल बन जाता है। तो देख सकते हैं आप क्यूट क्यूट से टी कप्स। और उसके बाद नूडल्स जो है वो बहुत फेमस है, आपको पता ही है एशियन फूड में नूडल्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये नूडल्स सिर्फ मैदे की नहीं बनी होती हैं, राइस की बनी होती हैं, वीट की, कुट्टू का आटा जिसको बकवीट कहते हैं उसकी, और सोयाबीन की। तो बहुत तरह की नूडल्स आपको कोरियन फूड में मिलती हैं। लास्ट में मैं आपको लेके आई हूँ प्रोड्यूस सेक्शन में, ये मैंने सबसे एंड में टच किया। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मुझे मिले जो कि यूजुअली अमेरिकन स्टोर में नहीं होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी इनकी जो स्टूज होते हैं और सूप्स होते हैं उसमें बहुत सारी रूट्स यूज़ की जाती हैं जो बहुत ही यूनिक है, यूजुअली नहीं हमें देखने को मिलती। और बहुत सारी जैसे उसका नाम है कमल जड़ जो बोलते हैं, लोटस रूट, वो बहुत यूज़ की जाती है। मुझे वहाँ पे घिया और लौंगू भी, हम हिमाचल में उसको लौंगू कहते हैं, ये भी मिला। और थोड़ा सा मशरूम्स, तो इतनी वैरायटी है और मशरूम्स मैंने आपको पहले भी बताया बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। जैक फ्रूट था, कद्दू था, तो बहुत सारी जैसे इंडिया वाली सब्जियां भी देखने को मिली। नेक्स्ट जो है वो सेसे में इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तिल कोरिया में बहुत सारे डिश में, और इनकी एक सॉस बनती है ड्यूजेंग सॉस कहते हैं उसको। और तिल तो आपको पता ही है इसके कितने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों में तिल का यूज़ करते हैं, रोस्टेड फॉर्म में ग्राइंड करके और इसकी सॉस बना के। बहुत सारे ग्रेन्स जो इंडिया की तरह मैजिक थे, मूंग बीन्स मिले मुझे, और बहुत सारी दालें ये सूप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे मिर्ची, लाल मिर्ची देख के तो मुझे लिटरली इंडिया वाली फीलिंग आ रही थी। यहाँ पे मिर्ची बहुत यूज़ की जाती है कोरियन फूड में, और वहाँ पे एक स्पेशल तरह की सॉस होती है, गोचूंग सॉस जो आप अभी डब्बे देख सकते हो। तेज़पत्ता मिला और जो लीव्स हैं बहुत सारी ड्राई लीव्स भी थी। यहाँ पे जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो है सेसमे ऑयल, तो तिल का तेल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, विनेगर, और इसके अलावा सोया सॉस का बहुत यूज़ होता है। सभी तरह के कोरियन फूड में और एशियन फूड में होता है, बट यहाँ पे इतनी वैरायटी थी कि अगर चूज़ करना हो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। उसके बाद मेरा फेवरेट सेक्शन आया जो बहुत ही नॉस्टैल्जिक था मेरे लिए, वो है ये स्नैक सेक्शन। इतने क्यूट क्यूट कुछ पैकिंग्स हैं आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ फेवरेट चिप्स भी ले लिए हैं और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चिप्स हैं जो बहुत ही यूनिक हैं, श्रिम चिप्स एंड कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा स्पाइसी और कुछ स्पेशली कोरियन फ्लेवर्ड। ये भी एक बहुत ही अलग सा वहाँ के वीट के और कॉर्न के और राइस के कुछ पॉप्स रहते हैं, और ये पापड़ है, राइस पापड़ हैं जो बहुत कॉमन। यहाँ मैं अपनी फेवरेट कैंडी की तलाश में और मुझे मिल गई हाई चू, मेरी फेवरेट कैंडी है ये। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफी कर ली बिकॉज इन्होंने सेक्शन बना रखा था फोटोग्राफी के लिए। कोरियन रेस्टोरेंट्स हैं 5-6 यहाँ पे जहाँ पे ट्रेडिशनल कोरियन फूड इंजॉय कर सकते हो। अभी कोरोना टाइम में उतना बिजी नहीं था, दबाज काफ़ी रश रहता है यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा छोटा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा ब्लॉग। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर अच्छा लगा है तो शेयर भी कर देना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।